बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कम्बिनेशनल सर्किट की डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में देखेंगे कि किस तरह हम एक कम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन करते होते हैं। डिज़ाइन प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमने इसी ऑर्डर में ही फॉलो करना होगा। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, काफ़ी लोग इसको स्किप करते इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से उनके डिज़ाइन में फिर बाद में काफ़ी इश्यूज आते हैं। सो, आपको जो भी प्रॉब्लम गिवन होती है, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन हो, सबसे पहले काम जो ये है कि आप उस पर कुछ टाइम लगाए, उस पर सोचे कि इसमें है क्या। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप समझें, जिस चीज़ को आप डिज़ाइन करना चाह रहे हो उसके सारे पैरामीटर्स के बारे में देखें कि किस तरह काम करता है, और फिर उसके बाद ही प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझने के बाद ही आप उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़े। सो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, जो अगला स्टेप है वो है आपने नंबर ऑफ इनपुट्स और टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स डिटरमिन करने हैं कि आपका जो डिज़ाइन होगा उसके टोटल इनपुट्स कितने होंगे और टोटल आउटपुट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स डिटरमिन करने के बाद आप उनको लेटर सिंबल्स असाइन करते होते हो, लाइक ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जी, कुछ भी आप उनको असाइन करते हो। लेटर सिंबल्स असाइन करने का मकसद ये होता है कि हम इनको आसानी से ड्यूरिंग द डिज़ाइन हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन सी इनपुट है या कौन सा आउटपुट है। सो, पहला स्टेप अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर उसके बाद नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स डिटरमिन करना और उनको लेटर सिंबल्स असाइन करना। जब आप एक दफ़ा नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स डिटरमिन कर लो, फिर उसके बाद अगला स्टेप है ट्रुथ टेबल डिराइव करना। आपको पता है ट्रुथ टेबल में इनपुट्स होते हैं और आउटपुट्स होते हैं। सो, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, दी नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंड ऑन दी टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स प्लस दी टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास तीन इनपुट्स है और टू आउटपुट्स है तो आपके ट्रुथ टेबल में टोटल फाइव कॉलम्स होंगे। अगर आपके पास लेट सपोज तीन इनपुट्स है और तीन आउटपुट्स है तो आपके पास जो कॉलम्स की तादाद होगी देयर विल बी सिक्स। ट्रुथ टेबल के अंदर जो रोज होते हैं, दी नंबर ऑफ रोज सोलली डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ इनपुट्स, सिर्फ इनपुट्स कम्बिनेशन के ऊपर ही वो डिपेंड करते हैं। सो, अगर आपके पास लेट सपोज तीन इनपुट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी टू रेस्ट टू पावर थ्री इज इक्वल टू एट। अगर आपके पास लेट सपोज फोर इनपुट्स हैं तो द नंबर ऑफ रोज विल बी 16, इट्स टू रेस्ट टू पावर फोर इज 16। ट्रुथ टेबल डिराइव करने के बाद आप उसमें से आउटपुट एक्सप्रेशंस फाइंड करते हो। जितने आउटपुट्स होंगे उतने आपके पास आउटपुट एक्सप्रेशंस आएंगे। लाइक अगर आपके पास दो आउटपुट्स हैं तो आपके पास दो आउटपुट एक्सप्रेशंस आएंगे। अगर आपके पास आपके ट्रुथ टेबल में पांच आउटपुट्स हैं तो पांच आउटपुट एक्सप्रेशंस आएंगे आपके पास। आउटपुट एक्सप्रेशंस फाइंड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इन आउटपुट एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करना। हमने देखा था कि मिनिमाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हम जो रिसोर्सेज की कॉस्ट है उनको कम कर सकते हैं, और इसके अलावा हम सर्किट की एफिशिएंसी भी बेहतर बनाते हैं। सो, एक दफ़ा जब आपके पास आउटपुट एक्सप्रेशन आ जाए तो फिर अगले स्टेप में आपने उन आउटपुट एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करना होगा। जितने आउटपुट एक्सप्रेशंस होंगे उतने आपके पास मिनिमाइज्ड आउटपुट एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, और फिर मिनिमाइज आउटपुट एक्सप्रेशन के बाद जो लास्ट स्टेप है दैट इज टू ड्रा द लॉजिक डायग्राम। सो, ये स्टेप्स हैं जो आपने किसी भी डिज़ाइन प्रोसीजर में फॉलो करने होंगे। जब भी आप कोई कम्बिनेशन सर्किट डिज़ाइन करते हो तो उसके लिए आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सो, ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड असाइन लेटर सिंबल्स टू ईच, डिराइव अ ट्रुथ टेबल, डिटरमिन द आउटपुट एक्सप्रेशंस, मिनिमाइज द आउटपुट एक्सप्रेशंस एंड फाइनली ड्रा द लॉजिक डायग्राम। कोड कन्वर्टर। कोड कन्वर्टर क्या चीज़ है? कोड कन्वर्टर एक ऐसा कम्बिनेशनल सर्किट है जो एक कोड को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कोड कन्वर्टर इज अ कम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट्स कोडेड इंफॉर्मेशन इन वन फॉर्म टू अनदर। जब हम कोई डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें अक्सर इस तरह का इशू आता है कि हम डिफरेंट डिजिटल कंपोनेंट्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। नाउ, ये जो डिजिटल कंपोनेंट्स है ये अक्सर डिफरेंट कोड्स के साथ डिज़ाइन किए गए होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि एक जो कंपोनेंट है वो बीसीडी कोड के साथ डिज़ाइन किया गया हो,
और जो दूसरा कंपोनेंट है वो लेट सपोज बाइनरी कोड के साथ डिजाइन किया गया हो। नाउ इशू तब आता है जब हमने इन दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करना हो या आपस में इनकी कम्युनिकेशन करानी हो। नाउ एक बीसीडी के साथ काम कर रहा है, दूसरा बाइनरी के साथ काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन सही तरीके से शेयर नहीं कर सकेंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब इनके बीच हम एक ऐसा कोड कन्वर्टर लगाए जो बीसीडी कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करे या बाइनरी कोड को बीसीडी कोड में कन्वर्ट करे। सो कोड कन्वर्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास कोड्स बेतहाशा है, बीसीडी कोड्स है, बाइनरी कोड्स है, ग्रे कोड है, एक्सेस 3 एक्सेस 2 कोड्स है, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे कोड्स हैं। सो इस बात की काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि एक कंपोनेंट एक कोड के साथ डिज़ाइन किया गया हो और दूसरा कंपोनेंट किसी दूसरे कोड के साथ डिज़ाइन किया गया हो। सो उनके बीच फिर हमें कोड कन्वर्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं। लेट सपोज हम एक 4 बिट का बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं। ना 4 बिट बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर का मतलब ये है कि एक ऐसा कन्वर्टर होगा जो इनपुट पे 4 बिट का बाइनरी कोड लेगा और आउटपुट पे हमें 4 बिट का ग्रे कोड देगा। हम इस कोड कन्वर्टर को इनपुट पे बाइनरी देंगे और ये हमें आउटपुट पे उसका इक्विवेलेंट ग्रे कोड देगा। ग्रे कोड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था जब हम करनाफ देख रहे थे कि ग्रे कोड के दो सक्सेसिव वैल्यूज में या दो सक्सेसिव कोड्स में सिर्फ एक बिट का डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हम एक बाइनरी कोड को ग्रे कोड के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक बाइनरी कोड है 0110 और हम चाहते हैं कि हम इस बाइनरी कोड का इक्विवेलेंट ग्रे कोड फाइंड करें। सो जो पहला स्टेप है, हम देखते हैं कि इसकी एमएसबी वैल्यू क्या है। अगर हम इसमें देखें तो एमएसबी बिट इज 0। सो जब हम इसका ग्रे कोड फाइंड करेंगे, जब हम इसका इक्विवेलेंट ग्रे कोड फाइंड करेंगे तो एमएसबी बिट विल रिमेन द सेम, इट विल नॉट चेंज। सो इसके जो इक्विवेलेंट ग्रे कोड होगा उसकी एमएसबी बिट भी 0 होगा, the MSB remains the same. Now next bit के लिए हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और हम इनका एक्सक्लूसिव और लेते हैं या हम इनको बाइनरी ऐड करते हैं, बुलियन एडिशन नहीं कह रहा, बाइनरी ऐड करते हैं। सो हम ऐड करेंगे या एक्सक्लूसिव और लेंगे 0 और 1 का, 0 एक्सक्लूसिव और 1 इज 1, या अगर हम बाइनरी एडिशन करें तो 0 प्लस 1 इज 1। नेक्स्ट बिट हमारे पास आ जाएगी, दैट विल बी 1। सिमिलरली अगले बिट के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1, अगर हम बाइनरी एडिशन करें तो 1 प्लस 1 इज 0, या अगर हम एक्सक्लूसिव और ले तो 1 एक्सक्लूसिव और 1 इज 0, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और जो फाइनल बिट है, अगेन हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अब 1 प्लस 0 is 1, या 1 exclusive or 0 is 1, so ये हमारे पास आ जाएगा। Now 010 is the equivalent gray code of 0110. 0110 हमारे पास binary code है और इसका जो equivalent code है that is 0101. Okay, understanding के बाद जो अगला step है वह है नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स डिटरमिन करना। हमें कहा गया है कि आप 4 बिट का बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर डिजाइन करें। 4 बिट बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर का मतलब ये है कि इसको इनपुट पे हम 4 बिट बाइनरी कोड देंगे और ये हमें आउटपुट पे इसका इक्विवेलेंट 4 बिट का ग्रे कोड देगा। सो इससे तो ये बात क्लियर हो गई कि जो नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे वो होंगे 4 और नंबर ऑफ आउटपुट्स भी 4 होंगे। टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स आर 4। हम इनको लेट सपोज लेटर सिंबल्स असाइन कर देते हैं, ए बी सी डी, एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स आर आल्सो 4। इनको भी लेटर सिंबल्स असाइन कर देते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जी। सो ये स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में जब इनपुट्स और आउटपुट्स का पता चल जाता है हमें, तो हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। नाउ इस केस में हमारे पास 4 इनपुट्स है और 4 आउटपुट्स है, सो इट मींस कि हमारा जो ट्रुथ टेबल होगा उसमें 8 कॉलम्स होंगे।
चार कॉलम्स इनपुट के लिए होंगे और चार कॉलम्स आउटपुट्स के लिए होंगे। और रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ इनपुट्स। चार इनपुट्स हैं, इनकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 16 बनती है, सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे देयर विल बी 16। सो हमारे पास इस तरह का ट्रुथ टेबल आ जाएगा। इस ट्रुथ टेबल में आप देखें, लेफ्ट साइड पे हम इनपुट्स मेंशन करते हैं और राइट साइड पे आउटपुट्स मेंशन किए जाते हैं। हमारे डिजाइन में चार इनपुट्स हैं, ए बी सी एंड डी, और चार आउटपुट्स हैं डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। सबसे पहले आप इनपुट कॉलम्स को पॉपुलेट करते हो। जितनी भी इसकी टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनती है वो सारे आप मेंशन करते हो। 0000 से स्टार्ट करते हो, 0000, 0001, 0010, 0011 अप टिल 1111। सो जितनी भी आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनती है इनपुट्स की वो आप सारे लिखते हो। फिर उसके बाद आप आउटपुट्स कॉलम फिल करते हो। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि हम किस तरह एक ग्रे कोड को, सॉरी एक बाइनरी कोड को ग्रे कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो उसी तरीके से आप इसके आउटपुट कॉलम्स फिल कर लेते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको देखें, यहाँ पर दी एमएसबी इज जीरो, सो इसके आउटपुट कॉलम में भी एमएसबी विल बी जीरो। फिर हम जीरो प्लस जीरो इज जीरो, सो द आउटपुट ऑफ एक्स विल बी जीरो। जीरो प्लस वन इज वन, सो द आउटपुट ऑफ वाई इज वन। वन प्लस वन जीरो, सो द आउटपुट ऑफ z इज जीरो। लेट सपोज इस कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं, यहाँ पर एम एस बी वन है, सो इसका जो इक्विवेलेंट ग्रे कोड होगा उसकी एम एस बी भी वन ही होगा। फिर नेक्स्ट बिट के लिए वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो इज वन, सो हम x की आउटपुट कॉलम में वन लिख लेते हैं। देन जीरो प्लस जीरो इज जीरो, सो आउटपुट y विल बी जीरो। 0 प्लस 1 इज 1, सो आउटपुट z इज 1। सो इस तरीके से आप पूरा ट्रुथ टेबल पॉपुलेट कर लेते हो। नाउ ट्रुथ टेबल बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम आउटपुट एक्सप्रेशंस फाइंड करते हैं। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है। नाउ अगर इस ट्रुथ टेबल में आप देखें तो चार आउटपुट्स हैं। सो हमारे पास चार आउटपुट एक्सप्रेशंस आएंगे। जो पहला आउटपुट एक्सप्रेशन होगा वो होगा W के लिए, फिर हम X के लिए आउटपुट एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, Y के लिए आउटपुट एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और Z के लिए आउटपुट एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। जब हम ट्रुथ टेबल से आउटपुट एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं तो वो आउटपुट एक्सप्रेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। SOP में फाइंड करना है या POS में फाइंड करना है ये आपकी डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। या अगर आपको कहा गया है कि आप SOP में फाइंड करें तो आपने SOP में फाइंड करना होगा। अगर आपको कहा जाए कि आप POS एक्सप्रेशन निकालें तो आप फिर POS एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। अगर आपको याद है कि अगर आपने SOP एक्सप्रेशन फाइंड करनी है तो आप वो वाले मेंटर्म्स बनाते हो जहाँ पर आउटपुट हमारे पास 1 आ रहा हो, और अगर हमने POS एक्सप्रेशन निकालनी है तो हम वो मैक्स टर्म्स फाइंड करते हैं जहाँ पर आउटपुट हमारे पास 0 आता हो। लेट सपोज इस केस में हम SOP एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम W के लिए देखते हैं। W के लिए अगर हम SOP एक्सप्रेशन फाइंड करें तो हमने वो वाले कॉम्बिनेशन देखनी है इनपुट की जिनके अगेंस्ट आउटपुट हमारे पास 1 आ रहा हो। सो अगर आप देखें, एक 1 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इसके अगेंस्ट जो हमारे पास जो इनपुट कॉम्बिनेशन है दैट इज 1000। सो अगर हम इसका मिन टर्म लिख के, हमें पता है कि जब हम मिन टर्म बनाते हैं तो 1 को हम रिप्लेस करते हैं नॉन कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल से और 0 को रिप्लेस करते हैं कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल से। सो इसका मिन टर्म आ जाएगा ए इंटू बी कम्प्लीमेंट इंटू सी कम्प्लीमेंट इंटू डी कम्प्लीमेंट। सो हम मिन टर्म लिख लेते हैं ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। फिर हम देखते हैं कि अगला 1 कहाँ पर है। अगला 1 यहाँ पर है, इसके अगेंस्ट जो इनपुट कॉम्बिनेशन है दैट इज 1001। सो हम इसके लिए अगर मिन टर्म बनाएं तो इसका मिन टर्म आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। सो
तो हम लिख लेते हैं प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। फिर हम अगला देखते हैं कि अगला वन किधर है, अगला वन यहाँ पे आ रहा है, इसके अगेंस्ट जो इनपुट कम्बिनेशन है दैट इज 1010, इसका मेन टर्म बनेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट। सो इस तरह जितने भी वंस होंगे उन सारों के लिए आपने मिन टर्म्स बना के उनको आपस में ऐड कर देना होगा, तो आपके पास W का एक स्टैंडर्ड आउटपुट एक्सप्रेशन आ जाएगी W के लिए। इस स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन को हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा इस फॉर्म में ही लिखें क्योंकि इसमें लिखना ज्यादा आसान है। सो इसको समझते हैं कि ये एक्सप्रेशन या ये वाली फॉर्म कैसी आई है। यहाँ पर आप देखें ये दोनों एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट हैं। दिस इज द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर W। इसकी डोमेन में चार वेरिएबल्स है ए बी सी डी। सो W इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी आप आउटपुट एक्सप्रेशन लिखते हो, फिर उसके साथ ब्रैकेट्स में आप उसकी डोमेन के अंदर जितने वेरिएबल्स होते हैं उनको मेंशन करते हो। इस तरह यहाँ पर मेंशन किया गया है W इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू समेशन ऑफ दीज मेन टर्म्स। अगर आप देखें यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन गिवन है पहले, यहाँ पर भी हमारे पास मेन टर्म्स है और उनको आपस में सम किया गया है। यहाँ पर भी कहा गया है कि ये समेशन है, मतलब ये एसओपी एक्सप्रेशन है और उसके अंदर जो मेन टर्म्स है वो है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। नाउ ये मेन टर्म्स कैसे आए हैं, अगर आप W कॉलम को देखें कि ये कहाँ कहाँ पर वन है, तो यहाँ पर वन है, इसके अगेंस्ट जो इनपुट कम्बिनेशन है दैट इज 1000। नाउ 1000 इज द बाइनरी फॉर 8, सो मेन टर्म 8। इसके अलावा कहाँ पर वन है, यहाँ पर है, इसके अगेंस्ट जो इनपुट कम्बिनेशन है दैट इज 1001। 1001 इज द 4 बिट बाइनरी ऑफ 9, सो हमने 9 लिख दिया। इसी तरह 10 के अगेंस्ट भी हमें 1 दे रहा है, 11 के अगेंस्ट भी 1 दे रहा है, 12 के अगेंस्ट भी 1 दे रहा है, 13 के अगेंस्ट भी 1 दे रहा है, 14 के अगेंस्ट भी हमें 1 मिल रहा है और 15 के अगेंस्ट भी हमें 1 मिल रहा है। सो हम लिख लेते हैं आउटपुट W इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी इज द समेशन ऑफ मिन टर्म्स 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये ऐसा ही है जिस तरह आप इस फॉर्म में लिखते हो, दोनों एक ही जैसी एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से हम फिर आउटपुट x के लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। आउटपुट x इन टर्म्स ऑफ a b c d कौन कौन से मिन टर्म्स है इसमें वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर 1 आ रहा है, इसके अगेंस्ट जो इनपुट कम्बिनेशन है दैट इज 0100। नाउ 0100 4 की बाइनरी कम्बिनेशन है अगर हम उसको 4 बिट के फॉर्म में लिखें। सो 4 के अगेंस्ट हमें 1 मिल रहा है, 5 के अगेंस्ट 1 मिल रहा है, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। सो हम लिख लेते हैं x इन टर्म्स ऑफ a b c d इज द समेशन ऑफ मिन टर्म्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस तरह y के लिए देख लेते हैं, y इन टर्म्स ऑफ a b c d समेशन ऑफ कौन कौन से मिन टर्म्स है, 2, 0010 इज द बाइनरी कोड फॉर 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 और फिर उसके बाद आता है 1010, सो 10, 11, 12, 13। सो y इन टर्म्स ऑफ a, b, c, d इज द समेशन ऑफ 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13। इस तरह हम z के लिए भी आउटपुट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, जहाँ जहाँ पर 1 होगा, अगर SOP फॉर्म में लिखना है तो जहाँ जहाँ पर 1 होगा उनको हम इस तरह मेंशन कर देते हैं। सो हमारे पास चार आउटपुट एक्सप्रेशंस आ गई, चार आउटपुट्स थे, सो चार आउटपुट एक्सप्रेशंस आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन आउटपुट एक्सप्रेशंस को हमने मिनिमाइज करना है। अगर हम इन एक्सप्रेशंस को देखें तो इनकी डोमेन में चार वेरिएबल्स है ए बी सी डी, सो हम 4 वेरिएबल मैप बना लेते हैं। ए बी सी डी डोमेन में थे सो हम ए बी सी डी मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन W को देखते हैं और इसको मिनिमाइज करते हैं। एक्सप्रेशन
W के अंदर जो मिन टर्म्स है दे आर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. सो इनकी करिस्पॉन्डिंग सेल्स में हम 1 प्लेस करते हैं. दिस वन इज 8, 1000, 10019, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. सो इस तरह की मैपिंग होगी फॉर दी एक्सप्रेशन W. अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है फोर सेल्स का, सॉरी 8 सेल्स का एक ग्रुप बन रहा है. सो हम एक ग्रुप बना लेते हैं 8 सेल्स का. अगर हम इसका मिन टर्म फाइंड करें तो इसके लिए A की वैल्यू 1 है, सो हम A लिख देते हैं. B कॉन्ट्रडिक्ट्री है इस ग्रुप के लिए, सो B एलिमिनेट हो जाएगा. C भी कॉन्ट्रडिक्ट्री है और D भी कॉन्ट्रडिक्ट्री है, सो ये दोनों भी एलिमिनेट हो जाएंगे. सो इट मीन्स कि हमारे पास जो W है दैट विल बी इक्वल टू A. सो ये मिनिमाइज हो गया आउटपुट W. हमारे पास जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन W की आ गई दैट इज A. अब x के लिए देखते हैं. x के लिए हमारे पास जो मिन टर्म्स है दे आर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. सो इनकी करिस्पॉन्डिंग सेल्स में 1 प्लेस कर लेते हैं. दिस वन इज 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11. दिस इज 8, 9, 10, 11. सो अगर हम देखें तो हमारे पास दो ग्रुप्स बन रहे हैं 4, 4 सेल्स के. एक ग्रुप ये बन रहा है और दूसरा ग्रुप हमारे पास ये बन रहा है. अब इनके लिए मिन टर्म्स अगर हम फाइंड करें, अगर हम पहले इस ग्रुप के लिए देखें तो इस ग्रुप के लिए ए की वैल्यू है 0, सो हम लिख देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट. बी इज 1, सो हम लिख देते हैं बी. सी और डी दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है, सो उनको एलिमिनेट कर देंगे. फिर दूसरी ग्रुप के लिए अगर हम देखें तो इस ग्रुप के लिए ए इज 1, सो हमारे पास ए आ जाएगा. बी इज 0, सो हम लिख देते हैं बी कॉम्प्लीमेंट. सो एक्स के लिए हमारे पास दो मिन टर्म्स आ गए, ए कॉम्प्लीमेंट बी और दूसरा जो मिन टर्म है दैट इज ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट. हमारे पास जो एक्स की एक्सप्रेशन होगी दैट विल बी एक्स इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट. नाउ दिस इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी. अगर आपको एक्सक्लूसिव और याद हो तो एक्सक्लूसिव और में हमने देखा था कि जब इनपुट्स डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट हमें 1 मिलती है और अगर इनपुट सेम आ गए तो आउटपुट विल बी 0. अगर मैं एक्सक्लूसिव और का ट्रुथ टेबल दोबारा बना लूं तो शायद आपको ज्यादा क्लियर हो. लेट सपोज ए और बी हम इनपुट्स पे ले, हमें आउटपुट पे ए एक्सक्लूसिव और बी मिलेगा. कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0. 0 0 के लिए हमें 0 मिलेगा, 0 1 के अगेंस्ट हमें 1 मिलेगा, सॉरी यहाँ पर ग्रे कोड के फॉर्म में नहीं लिखना बल्कि बाइनरी फॉर्म में लिखना है. 1 0 के अगेंस्ट भी हमें 1 मिलेगा और 1 1 के अगेंस्ट हमें 0 मिलेगा. नाउ ए एक्सक्लूसिव और बी के लिए अगर हम आउटपुट एक्सप्रेशन बनाएं ट्रुथ टेबल से तो दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट. हमने पहले भी देखा था, इसको दोबारा देख रहे हैं. सो ए एक्सक्लूसिव और बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट. सो हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं ए एक्सक्लूसिव और बी से. ओके हमारे पास अब अगली एक्सप्रेशन को देखते हैं, y की एक्सप्रेशन को देखते हैं. y की मिन टर्म्स है 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. सो इनकी मैपिंग कर लेते हैं पहले y के लिए. दिस इज 2, 3 एंड नहीं सॉरी दिस इज नॉट 2, दिस इज 2, 0010 इज 2, 3
देन 4, 5, फिर उसके बाद है 10, 11, 1010 इज 10, 1011 इज 11, और देन 12, 12 इज 1100 एंड 13, 1101। सो इस तरह की मैपिंग बनेगी हमारे पास। ओके, हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। एक ग्रुप हमारे पास ये बन रहा है 4 सेल्स का, और दूसरा ग्रुप 4 सेल्स का ये बन रहा है। सो हमारे पास दो ग्रुप्स बन रहे हैं 4 4 सेल्स के। अब इनके लिए मिनटर्म्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले इस ग्रुप को देखते हैं। इस ग्रुप के लिए ए कॉन्ट्राडिक्टरी है, सो एलिमिनेट हो जाएगा। इस ग्रुप के लिए बी 1 है, सो हम बी लिख देते हैं। इस ग्रुप के लिए सी 0 है, सो हमारे पास सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, और डी कॉन्ट्राडिक्टरी है, सो डी एलिमिनेट हो जाएगा। सो इस ग्रुप के लिए हमारे पास जो मेन टर्म बनेगा दैट विल बी बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरे ग्रुप को देख लेते हैं। इस ग्रुप के लिए अगेन ए कॉन्ट्राडिक्टरी है, सो ए एलिमिनेट हो जाएगा। बी इस ग्रुप के लिए 0 है, सो हम बी कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। इस ग्रुप के लिए सी की वैल्यू 1 है, सो हमारे पास सी आ जाएगा, और डी कॉन्ट्राडिक्टरी है, सो डी को एलिमिनेट कर देंगे। सो दो मिन टर्म्स आ गई, बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सी। यह गैस एक्सक्लूसिव और की तरह बन रहा है फंक्शन। सो हम y के लिए हमारे पास जो फंक्शन आएगा दैट इज y इज इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट c प्लस b इंटू c कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस इज इक्वल टू b एक्सक्लूसिव और c। अब z के लिए देख लेते हैं। z के लिए हमारे पास मिन टर्म्स है 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13 एंड 14। सो इनके करिस्पॉन्डिंग सेल्स में हम 1 प्लेस कर लेते हैं। दिस इज 1, 2, दिस इज 0101 इज 5, 0110 इज 6, 9, 1001 इज 9, 10, 1010 इज 10, 13, 1101 इज 13 एंड 14, 1110 इज 14। सो ये हमारे पास Z के लिए मैपिंग कुछ इस तरह बनेगी। अब हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास दो ग्रुप बन रहे हैं 4 4 सेल्स के लिए। 4 4 सेल्स के एक ग्रुप ये बन रहा है, दूसरा ग्रुप ये वाला बन रहा है। इनके लिए मिन टर्म्स फाइंड करते हैं। ए और बी दोनों ग्रुप्स के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी है, सो ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे। इस ग्रुप के लिए सी की वैल्यू आएगी 0, सो सी कॉम्प्लीमेंट, डी इज 1, सो डी आ गया। सेकेंड ग्रुप के लिए सी 1 है, सो हम सी लिख देते हैं। डी 0 है, सो डी कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। सो अगेन दो मिन टर्म्स आ गए इस केस में। सो जी की जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन होगी दैट विल बी सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू सी एक्सक्लूसिव और डी। सो ये हमारे पास चार मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गए। डब्ल्यू इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी, y is equal to b exclusive or c, and z is equal to c exclusive or d. Minimized output expressions के बाद जो next step है वो हम logic diagram करते हैं। So अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास इसकी logic diagram है। w की expression थी हमारे पास, w is equal to a. So input पे जब हम a देते हैं वो डायरेक्टली हमारे पास W में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको कहा भी था कि जो MSB बिट है वो चेंज नहीं होती। अगर MSB 0 है बाइनरी कोड में तो ग्रे कोड में भी MSB 0 होगा। अगर MSB बाइनरी में 1 है तो उसके इक्विवेलेंट ग्रे कोड में भी 1 होगा। सो जो A की वैल्यू है वही हमारे पास आउटपुट W पे आ रही है। जहाँ पर A 0 है वहाँ पर आउटपुट W भी 0 है। जहाँ पर A 1 है वहाँ पर आउटपुट डब्ल्यू बी 1 है। सो सिंपली हमने क्या किया कि ए की डायरेक्ट कनेक्शन लेके डब्ल्यू आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। जो ए की वैल्यू होगी इनपुट ए की वही हमारे पास आउटपुट डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। एक्स के लिए हमारे पास जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन आया था, एक्स के लिए हमारे पास मिनिमाइज एक्सप्रेशन था ए एक्सक्लूसिव और बी।
तो हमने ऐसे कनेक्शन लिया और उसको हमने एक्सक्लूसिव और किया इनपुट डी के साथ, तो इससे हमारे पास एक्स आ जाएगा। वाई के लिए आउटपुट एक्सप्रेशन थी बी एक्सक्लूसिव और सी, सो बी एक्सक्लूसिव और सी। जी के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी दैट वाज सी एक्सक्लूसिव और डी। सो ये हमारे पास लॉजिक लॉजिक डायग्राम आ जाएगी फॉर द 4-बिट बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। अगर हम इसके इनपुट पे कोई बाइनरी कोड दें तो ये हमें आउटपुट पे उसका इक्विवेलेंट ग्रे कोड देता है। चेक करते हैं इसको। लेट सपोज हम इनपुट पे देना चाहते हैं, लेट सपोज हम इनपुट पे दे 1010 देते हैं लेट सपोज। नाउ इनपुट पे अगर हम 1010 दें, अगर हम टेबल में देखें 1010 के अगेंस्ट हमें आउटपुट पे मिलना चाहिए 1111। तो चेक करते हैं कि क्या आउटपुट पे हमें ये कॉम्बिनेशन मिल रही है कि नहीं। इनपुट ए डब्ल्यू भी 1 हो जाएगा, ए इज 1 सो डब्ल्यू विल आल्सो बी 1। नाउ 1 एक्सक्लूसिव और 0, ए और बी का अगर हम एक्सक्लूसिव और ले 1 एक्सक्लूसिव और 0 इज 1 सो एक्स इज 1। फिर हम बी और सी का अगर एक्सक्लूसिव और ले तो बी इज 0 सी इज 1, 0 एक्सक्लूसिव और 1 इज 1 सो वाई विल आल्सो बी 1। Then C exclusive or D, C is 1, D is 0, so 1 exclusive or 0 is also 1, so यहाँ पर भी हमें 1 मिल जाएगा। So input पे हमने 4 bit की binary value ली, binary value थी इस code converter को, और इस code converter ने output पे हमें 4 bit का equivalent grey code दिया। एक और value से check करते हैं। लेट सपोज हम चाहते हैं कि हम इनपुट पे इसको वैल्यू दे 0110। नाउ 0110 अगर हम टेबल में देखें तो 0110 के लिए ग्रे कोड हमें मिलना चाहिए 0101। चेक करते हैं इसको, ए इज 0 तो डब्ल्यू विल बी 0, देन 0 एक्सक्लूसिव और 1 इज 1, 1 exclusive or 1 is 0, 1 exclusive or 0 is 1. So input पे हमने दिया 0110, इस code converter ने उसको convert किया और output पे हमें इसके equivalent grey code दिया 0101. So इस तरीके से हमने इस 4 bit binary to grey code converter को design किया। आपने हमेशा उन स्टेप्स को याद रखना होगा। सबसे पहला स्टेप आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझनी होगी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा क्या गया है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, उन सारी चीज़ों को समझ के ही उसके बाद आपने डिज़ाइन को प्रोसीड करना होगा। सेकंड स्टेप में आपने नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स डिसाइड करने होंगे कि इनपुट्स कितने होंगे और आउटपुट्स कितने होंगे, फिर उनको आप लेटर सिंबल्स असाइन करते हो। इसके बाद अगले स्टेप में आप ट्रुथ टेबल बनाते हो, ट्रुथ टेबल बनाने के बाद आप उन ट्रुथ टेबल में से आउटपुट एक्सप्रेशंस निकालते हो, फिर आप उन आउटपुट एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करते हो और आखिर में आप लॉजिक डायग्राम ड्रा करोगे। ओके, देखते हैं कि हम ग्रे कोड को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक ग्रे कोड गिवन है 1011 और हम चाहते हैं कि हम इसका इक्विवेलेंट बाइनरी कोड फाइंड करें। जिस तरह हम बाइनरी से ग्रे कोड में जा रहे थे वहां पर हमने कहा था कि एमएसबी चेंज नहीं होती, यहां पर भी एमएसबी रिमेंस द सेम। एमएसबी पहले जो ग्रे कोड में गिवन था वो था 1, सो बाइनरी कोड में भी 1 रहेगा, एमएसबी रिमेंस द सेम। फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस 1 को हम ऐड करेंगे इस 0 के साथ। 1 प्लस 0 इज 1, सो हम 1 लिख लेते हैं, देन 1 प्लस 1 इज 0 सो 0 आ जाएगा, देन 0 प्लस 1 इज 1 सो 1 लिख देते हैं। सो ये हमारे पास ग्रे कोड गिवन था 1011। इस तरीके से हमारे पास इसका इक्विवेलेंट
बाइनरी कोड आ गया 1101। डिजाइन के लिए आप खुद इस पे प्रैक्टिस करें, ट्राई करें इसको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझे। अगर आपने लेट सपोज ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप इसको समझे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्टर काम करता है। फिर उसके बाद आप इनपुट्स और आउटपुट्स डिसाइड करते हो। अगर आपको कहा गया है कि लेट सपोज 3 बिट का ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्टर डिजाइन करें, तो 3 बिट का मतलब ये है कि इसके इनपुट पे आप 3 बिट की बाइनरी कोड दोगे, सॉरी 3 बिट का ग्रे कोड दोगे, और ये आपको आउटपुट पे 3 बिट का बाइनरी कोड देगा। सो इसका मतलब ये होगा कि 3 आपके पास इनपुट्स आएंगे और 3 आपके पास आउटपुट्स आएंगे। फिर उसके बाद आप ट्रुथ टेबल डिजाइन करोगे जिसके अंदर 6 कॉलम्स होंगे, रोज 8 होंगे। फिर उसके बाद आप आउटपुट एक्सप्रेशन फाइंड करते हो, 3 आउटपुट एक्सप्रेशन आप ट्रुथ टेबल से डिराइव कर लोगे, फिर उनको आपने मिनिमाइज करना होगा और आखिर में लॉजिक डायग्राम ड्रा करनी होगी। इस तरीके से अगर कोई भी कन्वर्टर आपको कहा जाए, लेट सपोज आपसे कहा जाए कि BCD टू ग्रे कोड कन्वर्टर डिजाइन करें, या आपको कहा जाता है कि XS2 टू XS3 कन्वर्टर डिजाइन करें, या कोई दूसरा कन्वर्टर डिजाइन करने का कहा जाता है, तो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसको आप देखें इस वीडियो को, अगर आपके कोई क्वेश्चन है काइंडली उनको नोट डाउन कर ले, फिर उनको जो लाइव इंटरेक्शन सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।